लौकू समाज के कई नेताओं ने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी, जो कमिटमेंट 2015 में नीतीश कुमार पूरा नहीं कर पाए थे, 2017 में बीच में चले गए थे, इस बार पकड़ा गए हैं कि बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाइए, और उससे पहले यहाँ खूंटा गाड़ करके बैठ गए हैं लालू प्रसाद कि 2019 का रिकॉर्ड यदि आप खंगाल करके देखते हैं तो 262 ऐसे सीट हैं जिस पर कांग्रेस या तो दूसरे नंबर की रही या पहले नंबर की रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं रातों रात, जहां दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में विश्लेषण होता है, साथ ही उस खबर का आने वाले वक्त में असर क्या होगा इसको लेकर बाबा जो है विश्लेषण करेंगे। बता दें कि इस वक्त नीतीश कुमार जो है वो विपक्षी एकजुटता में लगे हैं, और आज ही उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे और शरद पवार से हुई, और ये मुलाकात जो है वो काफी पॉजिटिव रहा। उसके बाद अब जो आरजेडी के समर्थक हैं उनके बीच एक खबर चल रही है कि जल्द ही जो है तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो सकती है। बीच में खबर एक बार चली कि जून जुलाई के महीने में जब कुमार देश के दौरे पर निकलेंगे, इसी दरमियान जुलाई के महीने में उनकी ताजपोशी होगी, इस मसले पर बातचीत होगी। इसके अलावा कि जेडीयू पार्टी में कैसे लोगों का आना जाना लगा हुआ है, नीतीश कुमार का पांडव वाला रूल क्या है, सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले बाबा, जो सोशल मीडिया पे अब जो खबरें दिखने लगी है, पोस्ट दिखने लगा है कि जल्द ही तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो सकती है, इसके पीछे की कहानी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्यों इस तरह की बातें चल रही है, और इस तरह की बात में कितना दम है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि एक बड़ी पुरानी मैंने कहावत है कि जो अमृत होता है ना वो हिरण के पेट में ही होता है, और उसका सुगंध जो होता है कस्तूरी, उसके सुगंध से वो जहाँ तहाँ घूमते रहती है और रहता उसके पास ही है। तो ये मृग तृष्णा है, ऐसी ही मृग तृष्णा नीतीश कुमार ने अपने जीवन में सबको दिखाया है, लेकिन इस बार थोड़ी स्थितियाँ बदली हुई। इस बार लालू प्रसाद आकर के पटना में डेरा डाल दिए हैं। जो कमिटमेंट 2015 में नीतीश कुमार पूरा नहीं कर पाए थे, 2017 में बीच में चले गए थे, इस बार पकड़ा गए हैं, उनको रस्सी में बांध लिया गया है, अझुरा दिया गया है उनको, और इस बार उनको तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप करके जाना होगा। नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी जो वर्तमान स्थिति है वो बिना तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के सफल नहीं होने वाली है जब तक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और ये हमेशा उनको कहना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। इसके चलते उनके अपने लोग भी उनसे छटकते जा रहे हैं कि वो अपना जो अधिकार है, अपना आधार है, जनाधार है, बिहार है, ये सबको तेजस्वी यादव को सौंपेंगे। वो बार बार कह रहे हैं कि 2025 में इन्हीं लोगों को देखना है। इन सारी बातों को लेकर के अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ गई है। हम कई बार इस बात को बता चुके हैं कि ममता बनर्जी को बिना शर्त समर्थन करना, अखिलेश यादव को बिना शर्त समर्थन करना तेजस्वी यादव का, अब उसका रिजल्ट देखना जा रहा है। कहीं ना कहीं आप समझिएगा कि ममता बनर्जी ने जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से तो क्या कहा था कि बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाइए, और उससे पहले यहाँ खूंटा गाड़ करके बैठ गए हैं लालू प्रसाद। इसके कुछ मायने तो होंगे ना। इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि जब भी बिहार में किसी भी तरह की जरूरत होगी मेरे सपोर्ट की तो मैं तेजस्वी यादव के साथ खड़ी हूँ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की यात्रा के बीच में एक खबर जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है वो है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी करा करके ही नीतीश कुमार से पिंड छोड़ेगा या पिंड छोड़ाएंगे लालू प्रसाद, उनको तेजस्वी यादव को सौंपना होगा। अब आगे नीतीश कुमार की मर्जी, नीतीश कुमार कोई नया गेम खेल जाए उससे पहले ये भी हो सकता है। नीतीश कुमार के पांडव वाला क्या पूरी कहानी है? देखिए, नीतीश कुमार के पांडव वाला जो नया उनका गठजोड़ बन रहा है, जो ग्रुप बन रहा है, उसमें सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि इसका असर क्या पड़ेगा। तो हस्तिनापुर की लड़ाई के लिए आपने देखा होगा कि इससे पहले भी युद्ध हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो हस्तिनापुर की गद्दी पर या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, अक्सर आपने देखा होगा कि हस्तिनापुर की लड़ाई के लिए कई ऐसे मतलब रचे गए हैं, इस तरह के स्वांग, इस तरह के लोगों को जोड़ा गया है जिससे कि हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त की जाए। इस बार हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए नीतीश कुमार आगे निकले और उन्होंने पांडव ग्रुप बनाया है। अब ये पांडव ग्रुप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले तो उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और ये बात आपको याद होगा कि आपके साथी खबर के दौरान मैंने बताया था कि 2019 का रिकॉर्ड यदि आप खंगाल करके देखते हैं तो 262 ऐसे सीट हैं जिस पर कांग्रेस या तो दूसरे नंबर की रही या पहले नंबर की रही।
यानी कि 52 सीटें जो हैं वो उसकी जीती हुई थी और शेष सीटों पे वो दूसरे नंबर की पार्टी थी। तो 262 सीटों में अगर अब देखिए ना, कर्नाटक का रिजल्ट जिस तरह का कर्नाटक का सर्वे आया है और कर्नाटक का एग्जिट पोल आ रहा है वो बता रहा है कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना रही है। तो ऐसी स्थिति में ये 262 सीट जो है, इस 262 सीट में से अगर 50% भी कांग्रेस अचीव कर लेती है तो उसके पास 131 सीटें होंगी। 131 सीटें ये काफी होती हैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, क्योंकि पिछली बार तो 52 ही सीटें थी और 303 सीटों में से 131, अब 52 घटा दीजिए आप, तो निश्चित रूप से यहां सरकार नहीं बनाती हुई दिख रही है। तो वहीं अगर इसमें कोई चूक हो जाती है तो ममता बनर्जी को उन्होंने उस पांडव ग्रुप में शामिल किया है जिनके पास 42 सीटें हैं। 42 सीटों में अभी 60-70% सीट ममता बनर्जी के पास है। अब इस सीट को अगर और थोड़ा बढ़ा लिया जाए एक पांडव ग्रुप में हो करके तो निश्चित रूप से इस 42 में से 30-32 भी हो सकता है। तो यहां हम मान के चलते हैं कि 30 सीट मान के चलिए, 18 सीट अभी है भाजपा के पास, उसको अगर सीट घटाते हैं तो 30 सीट मान के चलिए। इसके अलावे अखिलेश यादव की तरफ आप शिफ्ट कीजिए, लगभग 70 सीटें जो हैं, 65-66 सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की 80 में से अभी भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज पार्टनर के पास है। 62 सीटें तो खुद भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब इस परिस्थिति में यदि तीनों मिल करके, जो कि 2019 में नहीं हुआ था, अगर इस बार मिल करके चुनाव लड़ते हैं तो 50% ही मान लेते हैं, तो 40 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं इस पांडव ग्रुप को आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो उनके पांडव ग्रुप में एक और शख्स शामिल है, वो है उद्धव ठाकरे जिनके पास 48 सीटें हैं। इसका अगर 50% भी वो लेकर के आते हैं तो आप 24 सीटें तो उनके पास निश्चित रूप से आ रही हैं। तो इस 24 को भी यदि जोड़ लेते हैं आप तो ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकने तक का सफर तय करता है। यही बात नहीं रुकती है, इस पांडव ग्रुप में एक और शख्स हैं, नवीन पटनायक, जिनसे मुलाकात हो चुकी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा दिल्ली में भी उनकी मुलाकात हुई है अरविंद केजरीवाल से। तो निश्चित रूप से पांडव के साथ साथ और भी कई लोग थे, कृष्ण भी थे जो सारथी के रूप में काम कर रहे थे और एक से एक नई नई बातें बता रहे थे और हौसला बढ़ा रहे थे कि कैसे युद्ध को जीतना है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो नवीन पटनायक की 21 सीट में से अभी भी उनके पास सबसे अधिक सीटें हैं, 18 सीटें लगभग हैं। तो 18 में से इस बार मान के चलते हैं कि 20 सीट ही जीत लें या 18 भी सीट जीत के जाते हैं, हम 18 को 15 में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकने तक की स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे राज्य हैं, कर्नाटक का चुनाव आएगा, दक्षिण के बहुत सारे राज्य हैं, इसके बाद तेलंगाना है, तमिलनाडु है, ये सारे राज्य धीरे धीरे करके इस गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं और नीतीश कुमार का यह पांडव ग्रुप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करेगा। बिहार की स्थिति 2025 में देखी जाएगी, लेकिन 2024 में नीतीश कुमार का यह पांडव ग्रुप जो है वो भारतीय जनता पार्टी को के मुंह से कहा जा रहा है कि निवाला छीन लेगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने से रोक सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बनाए, सपोर्ट उसको लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, ये बातें भी कही जा रही है, चर्चा इसमें जबरदस्त है। और इस पांडव ग्रुप का जो फैसला है, जो बना है, उसका यही मकसद है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोका जाए। लव कुश का नया ठिकाना, ये तो स्पष्ट है, साफ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार लौकुश के नाम पर भले ही 18 सालों से बिहार की गद्दी पर कायम हो या फिर उससे पहले उन्होंने केंद्र में भी अपनी धाक जमाई हो, कभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत लेट डाउन किया हो, आज वो लौकुश के नाम पर ही तेजस्वी यादव के साथ सरकार में चल रहे हैं, लेकिन अब लौकुश समीकरण का पूरी तरह से जो आंकड़ा था वो एक्सपोज हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो गए, आरसीपी सिंह बाहर हो गए, इसके अलावे हजारों ऐसे नेता हैं जो लौकुश समाज से वो दोनों खेमे में डिवाइड होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावे लौकुश समीकरण में 2020 में साफ नजर आया कि नीतीश का प्रभाव कम रहा, खास करके कुशवाहा समाज नीतीश कुमार से छिटक करके, और यहाँ तक कि जो कभी नहीं हुआ था पारंपरिक तौर पर वो राष्ट्रीय जनता दल से हमेशा अलग रहा है, यादवों के साथ कुशवाहा की जबरदस्त लड़ाई चलती रही है, जर जोर जमीन जो कह लीजिए आप उसके चलते, इस लड़ाई को भूल करके 2020 में नीतीश कुमार से अलग सपोर्ट किया था तेजस्वी यादव को,
कुशवाहा सभा से आप देखे, आपने देखा होगा कि लोकू समाज से अधिक नेता वहां जीत करके आए थे विधानसभा में। उसके अलावे भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात लगने लगा था कि वहां से कुछ सरक रहा है तो कुछ इधर उधर डगरा उगरा करके मेरे तरफ भी आएगा। उसने भी एक दाव चला और बिहार का प्रभारी एक कुशवाहा को बना दिया, सम्राट चौधरी को। इसके अलावे अब लगातार आप देख रहे होंगे कि उनका प्रभाव लगातार जारी है। जब हम खबर कर रहे हैं उसके ठीक पहले एक दिन आपने देखा कि दिल्ली से लेकर पटना तक लौकू समाज के कई नेताओं ने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी। ये एक बड़ी बात थी। एक तरफ जहां सुहेली मेहता ज्वाइन कर रही थी तो दूसरी तरफ आरसीपी सिंह ज्वाइन कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारी बातें हम लोग कह सकते हैं, लेकिन तत्काल जो है ये दोनों जो है वो कहीं ना कहीं लौकू का नया ठिकाना या तो भारतीय जनता पार्टी है या फिर उपेंद्र कुशवाहा है। चलिए, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, रात रात कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।